चिंबाराम तो खूब है ना, बस अपने ही शादी की चिंता है बेचारे को। और एक अपन राम है, अरे आज तक पछता रहे हैं कि ससुर शादी का है को किया। क्यों, क्या हुआ? लगता है बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। अरे और नहीं तो क्या, 600 रुपल्ली की नौकरी और खाने वाले साथ। जाने दो यार, रोते भी जाते हो और लाइन भी लंबी करते जाते हो। अगर तुम क्या, अरे नसीब का लिखा कोई टाल सकता है? हाँ तुम ठीक कहते हो, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, मगर खुद अपनी ही गलतियों से अपना नसीब बिगाड़ लेना, ये कहाँ की अकलमंदी है। अच्छा अच्छा, अब लेक्चरबाजी बंद, मेरी बात जाने दे। अरे आओ गंगाराम समझ लेते आओ। अरे भाई सुनाओ गंगाराम, कैसे हाल है? अरे गंगाराम का हाल चाल क्या पूछता है, इसके तो मजे हैं, अकेला है ना, कमाता है, खाता है और ऐश करता है, क्यों गंगाराम? अरे खाक मजे, दिन भर कारखाने में हेल्परी करो, सुबह शाम खुद पकाओ और खुद खाओ, रात को टूटी फूटी कटिया पर सोए रहो। यानी कि जिंदगी में और भी कुछ होना चाहिए। हाँ कम से कम एक अदद बीवी तो होनी ही चाहिए, सुबह काम पर जाओ तो दरवाजे तक छोड़ने आए, दिन भर के काम के बाद जब वापस लौटो तो दरवाजे पर इंतजार करती मिले। गंगाराम तुम्हें बीवी की जरूरत है या दरवान की? अरे छोड़ ना, काहे को मस्करी करता है गंगाराम से। सच पूछो तो गंगाराम, बीवी हो तो तुम्हारे ख्वाबों जैसी। हाँ चांद सी सुंदर हो, गुलाब जामुन की तरह मीठी मीठी बातें करे और क्या गंगाराम? गंगाराम कुछ नहीं, ये सब तो ख्वाबों की बातें हैं भैया, सपना सच तो तभी होगा जब माँ चाहेगी। माँ? हाँ माँ, जब तक वो लड़की नहीं देखेगी मेरी शादी कैसे होगी। पहले तो कहती रही तू नाम का भी नहीं दिमाग का भी गंगाराम है, पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जा फिर चलाऊंगी तेरी शादी की बात। अब तो मुझे शहर में नौकरी करते 4 महीने हो गए हैं, हर महीने माँ को मनी ऑर्डर भी भेजता हूँ, पर ना जाने क्यों माँ को तो जैसे मेरी शादी की चिंता है ही नहीं। पता नहीं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तभी करेगी मेरी शादी। मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अगर आज मेरी बीवी होती तो। अरे गंगाराम कौन है? गंगाराम कौन है? गंगाराम है एक तोते का राम, तो तोता राम गंवारा रह गया। जरूर भैया के लड़का हुआ होगा। सपना नहीं देख रहा, ये सच है, 16 आने सच।
अरे कल तक तो तुम इन्हीं तस्वीरों के दीवाने थे गंगाराम, आज अपनी हीरोइन से नाराज हो गए क्या? क्या बात है गंगाराम, क्या हुआ? जरूर कोई खास बात है। बोल पुत्र बोल। बोलो अरे बोलो 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 बोलो। घर से अम्मा की चिट्ठी आई है ना, इसलिए। चिट्ठी? चिट्ठी तो सब दिया दी पुत्र। तेरी क्या पहले कभी कोई चिट्ठी नहीं आई गंगाराम? नहीं नहीं ये बात नहीं है। तब फिर वो अम्मा ने मुझे बुलाया है ना। लो मेरी चुन्नी ओढ़ लो गंगाराम। क्या हुआ गंगाराम? क्या हुआ गंगाराम? बोलो भाई बोलो। शुक्र है, ये सब सपना था। गंगाराम तू सपने ही देखता रहेगा या कुछ करेगा भी? हाँ हाँ करूंगा ना,
बिल्कुल करूंगा। अरे राजा मगर क्या शादी, लो देखो तो होते ही भगवान का रूप है। हद करती हो तुम भी, तुम्हें नहीं मालूम हमारा छोटू खाली डब्बों से कितना खेलता है। गंगाराम बारात में हमें भी ले चलोगे ना? नहीं मौसी नहीं। कोई बात नहीं, जब मेरी बीवी आ जाएगी ना सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है सब समय पे ही हो गया। अब तक तो गाड़ी भी स्टेशन पे आ गई होगी। मिट्टी के माधव मत बने रहना, गंगाराम दुल्हन लेकर पहुंचने ही वाला है, उसकी आवभगत में कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों सुनो, गंगाराम अपनी दुल्हन लेकर आ रहा है, अपनी शरारतों से उन्हें तंग मत करना। कहा जी गंगाराम की दुल्हन के लिए शगुन का इंतजाम है ना? शगुन? अरे इतनी बड़ी बटालियन को सिकंदर की तरह संभालने के बाद भी क्या तू मेरी जेब में कुछ बचे रहने की उम्मीद करती है? तुम तो जब देखो जेब का ताला दिखा देते हो। मैंने नहीं कहा था बटालियन जमा करने को। अरे तो क्या मैंने ही कहा था? मगर भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। अरे मौसा भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। किसी की बात का बुरा नहीं मानते जी, मोहल्ले वालों की तो ये आदत ही है मजाक की। छोड़िए जी, मजाक तो हमने खुद अपने साथ किया है। किसी को पूरा खाना नहीं मिलता और किसी को कपड़ा। अगर हमने सब कुछ भगवान और नसीब पे न छोड़कर दिमाग से काम लिया होता तो आज हमारी जिंदगी में कितनी खुशी होती। अब इन बड़ी बड़ी आहों से क्या फायदा मौसा जी, अब तो चिड़िया खेत में चुग गई।
आखिर तुमने मैदान मार ही लिया गंगाराम। हाँ। सपना साकार हो ही गया तुम्हारा। हाँ वो तो है, मगर तुम्हारी दुल्हन है कहाँ? वो ना जाने क्यों सब मुझे ही परेशान करते रहते हैं, छीन के ले गए उसे मुझसे। छीन के ले गए? अरे तुम्हारे सपनों की दुल्हन को देखने की सभी मोहल्ले वालों की तमन्ना थी। हाँ वो तो है। एक नई जिंदगी जीने जा रहे हो, अरे कुछ आगे की भी सोची है या नहीं? आगे की मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई तुम मौसा मौसी की तरह जीना चाहोगे या उन लोगों की तरह? खैर ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, जैसा ठीक समझो करो। हाँ मगर मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। कुछ नहीं ये तो बस ऐसे ही। तुम बैठो यहां। बच्चे तो होते ही शरारती हैं। हाँ वो तो है मौसी। चलो देखे तो क्या क्या उपहार दिए हैं हमें मोहल्ले वालों ने। देखो तुम भी देखो ना, शर्मा क्यों रही हो? मैं तो नहीं शर्मा रहा। Thank you.
नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं समझ गया ना।